So hello everyone, welcome back to my channel Agri Brains and here is the most awaited video. मेरे previous video के comment section में बहुत से लोग एक ही बात को बार बार बोले जा रहे थे कि दी प्री के लिए video बनाइए, प्री के preparation की strategy बताइए और किसको follow करें, हम कहाँ से पढ़े, कौन से mocks लगाएं. तो आज का ये video completely dedicated है IBPS AFO prelims को. और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट मैं गारंटी देती हूँ कि जो लोग स्पेशली बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है और वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में ना होकर के नवंबर में ही होंगे, तो आपके पास टाइम भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम है. तो इसीलिए ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी. और रही बात रिपीटर्स की, तो वो ऑलरेडी अपने मिस्टेक्स से सीख चुके होते हैं तो उनको इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है. ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में सजेस्ट करने वाली हूं, जिनको भी मैं फॉलो करती थी, वो टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. जो भी मिस्टेक्स मैंने करी मैं सिर्फ वो बताऊंगी, जरूरी नहीं है जो मैंने फेस किया वो बाकी लोगों ने भी फेस किया होगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो. तो मेरी जर्नी से मैं स्टार्ट करूंगी और कहां कहां मैंने मिस्टेक्स करी, कैसे कैसे मैंने अपने डिसीजंस को चेंज किए और उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे. मैंने 2022 जनवरी में अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे 2022 में मैं पास आउट हो जाती अगस्त में एंड दिसंबर में मेरा एग्जाम था, तो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन. अब मैंने बेसिकली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ से पढ़ू कहाँ से ना पढ़ू, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी. फिर जहां से मैंने मेंस की कोचिंग करी हुई थी उन्हीं में उसमें मेरे को प्री भी ऑफर किया गया था, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों चीजें ऑफर्ड थी, तो मैंने वहां से प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. बट मैं सच बताऊं तो एक महीना निकल गया, दो महीना निकल गया, बट मुझे कोई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. स्टिल मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो पढ़ाया जा रहा था उसकी बस नोट्स बने जा रही थी, नोट्स बने जा रहे थे एंड रिजल्ट्स कुछ नहीं थे. दो महीने के बाद में जब एक मॉक दे करके देखा मैंने कि मुझे क्या आ रहा है, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक. एंड उस समय तो इतना डर लग रहा था ना कि अब तो दो महीने भी वेस्ट हो गए, अब इतने ही महीने बचे हुए हैं, अब कैसे करूंगी प्रिपरेशन. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो उसमें हुआ क्या प्रॉब्लम मुझे बेसिकली कि जो क्वांट था, ठीक है, तो क्वांट में उन्होंने क्या किया था ना कि जैसे बाद में मुझे पता चला कि अगर आपको वो पढ़ना है, क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक पढ़नी है या डीआई बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ता है, आपको परसेंटेज पढ़ने पड़ते हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन चीजें अच्छी तरीके से आनी चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सको, तो ये सारी चीजें पहले पढ़ाई जाती है. बट जहां मैंने स्टार्ट किया था प्रीलिम्स जनवरी से, जिस कोचिंग से जिनके साथ मैंने मेंस भी पढ़ा था, तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने पॉइंट में पहले क्या पढ़ाया, पहले पढ़ाया रेशियो वो पढ़ा दिया, सॉरी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा दिया. अब हम कैसे अप्लाई करेंगे जब हमें रेशियो ही नहीं आ रहा है, तो परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली मिक्सर एंड डेलीगेशन कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हॉचपॉच हुआ. और इंग्लिश में क्या हुआ कि पूरा ग्रामर 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 ग्रामर, इतना ग्रामर पढ़ाया है उन्होंने कि मतलब इतनी सी कॉपी थी ना वो पूरा इतना आधा पूरा भर चुका था उस दो महीने, आधे से ज्यादा भर चुका था. और उस यार इतना इतना ग्रामर के रूल्स थे कि हर चीज में रूल, हर चीज में रूल, और इतना रूल याद रख पाना, उसको उस टाइम पे अप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था. तो मुझे तो लग चुका था कि मेरे से तो ये नहीं होगा. ठीक है, बट फिर एक मेरे फ्रेंड हैं, वो ऑलरेडी एज एन AFO लगे हुए हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया था कि अरे मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं अभी क्या करूं, बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए. तो उन्होंने बोला कि देखो इन सब चीज की प्रिपरेशन तुम उनसे कर लो, क्योंकि वो तो ऑफलाइन करते थे, वो उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया हुआ था. बट उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि जो जनरल बैंकिंग की प्रिपरेशन होती है ना उनसे तुम प्री सीखो. तो इतना तो उन्होंने बोल दिया, बट अब वो ऑनलाइन की प्रिपरेशन करते नहीं थे तो उन्होंने ज्यादा मेरे को कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट नहीं किए. एंड तब मैंने फिर यूट्यूब से वगैरह सर्च किया कि क्या कर सकती हूँ. मुझे तो बेसिकली पहले मुझे
अनअकैडमी के जो टीचर्स थे उनका पता चला कि अनअकैडमी जो होती है वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कराती है, अनअकैडमी हो गया, अग्दा हो गया, ये सब बैंकिंग, जनरल बैंकिंग की प्रिपरेशन कराती हैं। तो मैं ढूंढ रही थी कि क्या ये लोग AFO की भी तैयारी कराते हैं, क्योंकि उस समय लगता था कि जनरल बैंकिंग की जो प्री होती है वो शायद अलग होती हो और मेरी जो प्री होती है वो शायद अलग होती हो। तो जैसे सबके लिए कोर्सेस आते हैं, जैसे IBPS PO के लिए, क्लर्क के लिए, RRB के लिए, तो शायद IBPS AFO के लिए भी कोई कोर्स होगा इनके पास में। जब मैं उनके ऐप पे गई और वहां पे मैं ढूंढ रही थी तो ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला मुझे। अब मेरे को फिर से कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर वो भैया से मैंने फिर से बात करी कि प्लेटफॉर्म तो मुझे मिल गया है लेकिन मुझे ये लोग AFO का नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा नहीं होता है कि IBPS AFO का जो प्री का क्वेश्चन होगा या फॉर्मेट होगा वो बाकी जनरल बैंकिंग से डिफरेंट होगा, वो सब सेम होते हैं, ठीक है, बस लेवल अलग अलग होते हैं, बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेशन सेम ही होते हैं। तो फिर मैंने कुछ देरी नहीं की, मैंने जल्दी से अनअकैडमी ले लिया, अनअकैडमी पे मैंने कोर्स लिया प्रीलिम्स का, ठीक है। उनके साल भर का कोर्स चलता है और उनके कोर्स में, उनके में क्या होता है ना, उनके ऐप में अगर एक बार आप कोर्स लोगे ना तो आप जितने भी एजुकेटर्स हैं बैंकिंग के, ठीक है, उन सभी से पढ़ सकते हो, सभी से। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही एजुकेटर आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, ठीक है, आपने रीजनिंग किसी पर्टिकुलर सर को फॉलो किया, बट वो कोई तो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो आप दूसरे एजुकेटर से वो टॉपिक पढ़ सकते हो जिसका आपको समझ आ सकता है, ठीक है। तो मैंने अनअकैडमी तो डाउनलोड कर लिया, अनअकैडमी से पढ़ना भी स्टार्ट किया, बट अब जो मेरे सामने चैलेंज था कि किसको फॉलो करना है, इतने सारे एजुकेटर्स फॉलो किसको करेंगे। तो फिर रिकमेंडेशंस देखे मैंने कि हाँ किसको किसको ज्यादा फॉलो किया गया है, किसके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, किसका वॉच टाइम सबसे ज्यादा है, वो एजुकेटर्स पे जाकर के मैंने देखे। तो मैंने अपने फाइनली क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के टीचर्स को सिलेक्ट किया और उसमें मैंने इंग्लिश को फॉलो किया, इंग्लिश के लिए मैंने फॉलो किया निमिषा बंसल मैम को, ठीक है। फिर मैंने क्वांट को फॉलो किया आशीष अरोरा सर को, और मैंने रीजनिंग के लिए मैंने दो टीचर्स को, दो एजुकेटर्स को फॉलो किए हुए थे, एक थे अंकुश लांबा सर और एक थे पुनीत शर्मा सर, ठीक है। तो ये टोटली चार लोग थे जिनसे मैंने अपना पूरा प्री सीखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये दो टीचर्स जो रीजनिंग के थे उसके लिए दो क्यों रखे। तो जो हमारे अंकुश सर हैं, अगर आप उनको अब इस वीडियो के बाद फॉलो करने वाले हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि अंकुश सर जो है वो पजल्स बहुत अच्छा तरीके से सिखाते हैं, और जो उनका जो क्वांट का जो DI का पोर्शन है, ठीक है, भले वो रीजनिंग के टीचर हैं बट वो DI भी कराते हैं, तो DI कराने का तरीका ना बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत ही बिगिनर होना आप तो भी आपको उनकी चीजें समझ में आएगी। ऐसे नहीं सीधे वो कैलकुलेट करके फेंक दिया, ऐसे वो कैलकुलेशन तक सिखाते हैं कि कैसे आप इसको मतलब परसेंटेज इजिली निकाल सकते हो और एजम्पशन से कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीजें सिखाते हैं वो। तो मैंने अंकुश लांबा सर को बेसिकली पजल और DI के लिए ही फॉलो किया था, क्योंकि पजल वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, DI भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और वो पजल आपके साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। सॉरी, वो पजल जो होता है ना आपके साथ साथ फॉलो, मतलब वो सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, वो सॉल्व कर रहे हैं, कई बार वो भी फंस जाते हैं, तो जब वो फंसते हैं ना तो हमें भी लगता है जब हमारा एजुकेटर फंस रहा है तो हम भी फंस रहे हैं। अब सोचो आपका एजुकेटर धड़ाधड़ पूरे पजल सॉल्व करके फेंक दे, है ना, आपको लगेगा यार ये ऐसी स्पीड तो मुझे कभी आ ही नहीं सकती, ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, तो मेरा तो प्री क्लियर होगा ही नहीं, टाइम बहुत कम बचेगा, मुझे तो एक पजल सॉल्व करने में 15-20 मिनट लग जा रहे हैं, ये तो बस 2 मिनट में सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, उनको भी कई बार बहुत टाइम लग जाता है, बट उनसे एक चीज सीखने को मिलती है कि वो पजल को छोड़ते नहीं है, भले पूरे क्लास में बस एक पजल करे वो, लेकिन वो पूरा करके ही जाते हैं। जब तक फंसे रहते हैं तो वो कहते हैं रुको मैं खुद सॉल्व करूंगा, मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप लोग भी लगे रहिए। तो ही इज द बेस्ट टीचर फॉर पजल फॉर मी, ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट थे। और DI भी मैंने उनसे सीखी है बेसिक से कैसे करना है। और फिर पुनीत सर की बात करें तो पुनीत सर ना एकदम ताबड़तोड़ टीचर हैं रीजनिंग के लिए, मतलब आप उनके क्लास में कभी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक तो पहले तो फुल एंटरटेनमेंट है,
पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो बच्चों को मतलब सार्कास्म टोन से वो बात भी करते हैं ना, तो वो भी अच्छा लगता है, बट वो उनका पढ़ाने का तरीका है। और वो जैसे मिसलेनियस टाइप्स होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह, सिलॉग इन, और क्या बोलते हैं, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, उसको मिनटों में कैसे करना है, मतलब देखा नहीं कि खत्म, देखा नहीं कि खत्म, ये सारी चीजें अगर बहुत ही फास्ट तरीके से सीखनी है, बहुत एक्यूरेटली सीखनी है, तो पुनीत सर को जरूर फॉलो करना, ठीक है। निमिषा मैम की बात करें तो निमिषा मैम ने, मतलब जब मैंने उनकी पहली क्लास लगाई थी ना, तो मैं लिटरली, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और ये आपके साथ भी होगा, इसीलिए मैं ये पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि आपने इनको फॉलो किया था और इनका तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना हाई लेवल का है। तो गाइस पेशेंस रखना, उनकी जो पहली एक हफ्ते तक, और मे भी दो तीन हफ्ते भी लग सकता है, आप कितना गेन कर रहे हो उस बेसिस पे टाइम लगेगा, बट विद द टाइम आप उनके तरीकों को सीख जाएंगे। और यकीन करिए, जिस तरीके से वो पढ़ाती हैं, वही चीज आपको काम आने वाला है अपने रियल एग्जाम में। कोई ग्रामर व्रामर जो भी रूल्स फूल्स कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि आप वहां पे याद करके नहीं बैठे हुए हो। जो याद भी रहता है हम वो तक भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो कभी ग्रामर के रूल्स ऐसे जो जब वो पढ़ाती हैं, उनकी क्लास का नाम है परफेक्शन, तो वो परफेक्शन जब पढ़ाती है ना, तो ये सब कुछ अप्लाई नहीं करती। वो दिखाती हैं कि किस तरीके से हमें जो हमारा आरसी है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसको किस तरीके से हमें स्किम करना है, और किस तरीके से हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, किस तरीके से क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एजम्पशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये वो बहुत अच्छी तरीके से, सी इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। आप लोग भी जरूर उनको फॉलो करना, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा व्हाई सी इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। बैंकिंग के बहुत से हजारों लाखों स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए, एंड आप भी जरूर उनसे पढ़ना। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिगिनर के तरीके से नहीं पढ़ाती है कि आप बिगिनर हो तो आपको मैं पढ़ाऊंगी ए फॉर एप्पल, वो ऐसा नहीं पढ़ाती हैं। वो आपको पहले ही ऐसी चीज में फेंक देंगे जिसको आपको समझने में टाइम लगेगा, बट जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको मजा आएगा उनके साथ में पढ़ने में, उनके साथ में आरसी सॉल्व करने में, और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस है लाइक पैराजम्बल भी आपको धीरे, पहले तो आपको आएगा नहीं, अभी जो बिगिनर्स है वो लोग तो छोड़ ही दो, आपको अभी तो पैराजम्बल नहीं आएगा, आपको पैराजम्बल थोड़ा बहुत आने के लिए लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे, ठीक है। फिर आप धीरे 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 एक्सपर्ट होते चले जाओगे पैराजम्बल में, आरसी में, और इसी तरीके से आप अपने मार्क्स स्कोर करोगे। मैच द कॉलम वाला जो होता है, और कनेक्टर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मैम बखूबी आपको पढ़ाएंगे, और आपको भी मजा आने वाला है। मैम का जो एडिटोरियल का क्लास होता है वो यूट्यूब पे होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जिन लोगों को उसमें क्या बोलते हैं वोकैब में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, मीनिंग्स नहीं पता होते हैं, तो आप उनके एडिटोरियल को डेली लेना। मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, पहले से मेरी इंग्लिश में ही पढ़ाई हुई है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती थी। तो लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम से है, या फिर बाकी किसी मीडियम से हो, आपने इंग्लिश आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, वोकैब में प्रॉब्लम होती है, तो आप उनकी एडिटोरियल की क्लासेस जरूर लेना, और वो एडिटोरियल में ही बहुत अच्छी तरीके से आरसी को स्किम करना। द हिंदू के जो उसमें रहते हैं, उसी को आर्टिकल को वो उठाती हैं, और उसी में वो हमें स्किमिंग करना सिखाती हैं कि किस तरीके से हम स्किमिंग करेंगे। एंड अगर आपको आरसी सॉल्व करना है, तो आपको स्किमिंग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा ना, तो आप ऐसे एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही इसका क्या ये ऐसे नहीं, ये ऐसे 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 करके पूरा खत्म, मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना, आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिस तरीके का कॉम्पिटिशन है ना, डेफिनेटली आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि ये मेहनत हो नहीं सकती, या फिर बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया था, मेंस क्लियर किया था, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी डील है प्री क्लियर करना, बट ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, ठीक है।
हमने बात कर ली है इंग्लिश की कि इंग्लिश के लिए आपको मैम का परफेक्शन लेना पड़ेगा और आपको मैम का अगर जिनका वोकैब वीक है तो आप उनके एडिटोरियल सेशंस लगा सकते हैं और स्किमिंग करने का भी तरीका आप वहां से सीख सकते हैं। रीजनिंग के लिए हमने बात करी कि अगर आपको मिसलेनियस और ये सारी चीजें सीखनी है तो डेफिनेटली आप पुनीत सर से सीख सकते हो और पुनीत सर के साथ पजल भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं, पुनीत सर पजल भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं अंकुश सर हैं, वो भी पजल और डीआई के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप उनसे भी करिए, दोनों से आप सीख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, दोनों ही बेस्ट है मेरे लिए। अब बात करते हैं हम क्वांट पोर्शन की, तो क्वांट के लिए मैंने आशीष अरोरा सर को फॉलो किया था और वो जो है वो बहुत ही ना ऐसे काम एकदम जैसे बहुत शांति से क्वांट्स पढ़ाते हैं, बहुत एक एक स्टेप करके बताते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बिगिनर्स जो होते हैं ना उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है, तो फिर वो बाकी का कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। लेकिन अगर आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कराने से पहले ही वो बहुत सी ऐसी चीजें बता देंगे जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप उनसे सीख सकते हो। अब क्वांट के लिए सर के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे उनका डेली एक प्रैक्टिस करने के लिए एक पीडीएफ डालते हैं वो, जिसमें 20 सिंप्लीफिकेशन होते हैं, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 मिसिंग नंबर सीरीज और अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ डेली आशीष अरोरा सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, बट आपको सॉल्व धीरे धीरे करके सारा ही पूरे दिन में पूरी पीडीएफ कंप्लीट करनी है। और पहले तो आप ना ऐसा मत सोचो कि मेरे से तो बहुत टाइम लग रहा है पीडीएफ सॉल्व करने में, लगेगा, क्योंकि आपने इसके पहले तो प्रिपरेशन नहीं किया ना, इसीलिए तो आप बिगिनर हो, ठीक है। पहले से ही टाइम का मत सोचना कि हमसे फास्ट फास्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर आ जा रहा है, सब आंसर दे रहे हैं, मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे बैठे हैं ना वो जनरल बैंकिंग के बच्चे होते हैं, आप जैसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं। सो ये चीजें, टाइमिंग वाला चीज पहले निकाल देना, पहले सीखने पे जोर डालना कि मुझसे बन जाए, टाइम चाहे जितना भी लगे पहले बनना चाहिए। जब आपसे बनने लगेगा ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आपको टाइम खुद ही बहुत कम लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप उनके पीडीएफ सॉल्व करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे और कुछ लोगों को 4 घंटे भी लग सकते हैं सारी चीजें सॉल्व करने के लिए, ठीक। लेकिन विद द टाइम आप उन्हीं सिंप्लीफिकेशंस को, 20 सिंप्लीफिकेशंस को आप 10 मिनट में कंप्लीट कर दोगे, गाइस 10 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट, इतनी जल्दी आप उन सबको सॉल्व कर सकते हो। और आज आपको मेरी इन वर्ड्स पे शायद भरोसा ना हो, बट जब आप इस फेज को जब पार कर चुके होंगे, प्रीलिम्स दे चुके होंगे, तब आपको डेफिनेटली लगेगा कि जो वो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया है। जब मैं भी टाइम से नहीं कर पाती थी, सबके आंसर आ जाते थे, मेरे आता ही नहीं था, सॉल्व ही नहीं होता, तो मैं क्लास के बाद लिटरली बैठ के रोती थी कि मैंने मेंस का तो स्टार्ट कर दिया, प्री मेरे से हो नहीं रही है, तो मैं कैसे करूंगी, मेरे से तो प्री सॉल्व ही नहीं, मैं बता रही हूँ लिटरली बहुत रोई हूँ मैं, प्री को लेकर के बहुत ज्यादा रोई हूँ। और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको पता भी है कि मैं प्री से कितना ज्यादा परेशान रहती थी और उस चीज के लिए मैं रोती रहती थी। बट अब तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि नहीं, हम टाइम के साथ में सब कुछ सीख जाते हैं। और आपको भी पेशेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना, सिर्फ आपके इंटेलिजेंस की और आपके हार्डवर्क की ही बात नहीं है, ये आप में कितनी पेशेंस है उस चीज को सीखने की, इसका भी एग्जाम है ये। तो पेशेंस अपने अंदर बनाए रखना और चीजें सीखते रहना, तुरंत सब कुछ नहीं होगा, बट यस डेफिनेटली धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अब रही बात मॉक्स की, तो मैंने जो है स्टार्टिंग से ही मॉक नहीं लगाया था, क्योंकि मैं क्यों नहीं लगाती थी, क्योंकि एक बार जो मैंने बताया कि मैंने वो जो 2 महीने वहां टाइम वेस्ट किया अपना, तो मैं, हाँ एक चीज और, ये जो कॉम्बो ऑफर देते हैं ना स्पेशली जितने भी एग्रीकल्चर के कोचिंग्स हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि डोंट प्रिपेयर प्रीलिम्स फ्रॉम देम, क्योंकि क्या होता है ना, वो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं प्रीलिम्स पार्ट को लेकर के,
मेरा खुद का ये सजेशन है कि आप जनरल बैंकिंग के जो टीचर्स है दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड उनके पास में, और वो खुद भी एग्जाम देते भाई, खुद जाकर के सेंटर पे एग्जाम दे के आते हैं, तो वो अलग है। वो जनरल बैंकिंग जिस तरीके से पढ़ाता है वो बिल्कुल ही अलग है जो कि ये एग्रीकल्चर की जितनी भी कोचिंग्स है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो ये कॉम्बो ऑफर्स देते हैं और साथ ही साथ में जितने भी एग्रीकल्चर की कोचिंग्स प्री ऑफर कर रही है, तो जिनको समझ में आए देखो आप ट्राई कर लो, आप डेमो क्लासेस ले लो। अगर आपको लगता है नहीं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर आपको लगता है नहीं ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इनसे प्री की प्रिपरेशन मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब बहुत कम नहीं कम टाइम बचा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, मेरा कहने का मतलब बस ये है। और आपको ये करना है तो आप इन एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ में अड्डा के भी बहुत से टीचर्स हैं जिनसे मैं कभी कभार उनका वीडियो का क्या बोलते हैं वीडियोस आते थे ना नोटिफिकेशन पे, तो मैं उनको ओपन करके वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी, तो वो लोग भी अच्छा पढ़ाते, लेकिन मैं बार बार अपने एजुकेटर्स बदलना नहीं चाहती थी, मैं काफी कंफर्टेबल हो गई थी। और ये आपको भी करना है, ये नहीं कि एक को फॉलो किया फिर दूसरे को, क्योंकि पढ़ाने के तरीके डिफरेंट होते हैं, सॉल्व कराने के तरीके डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने एजुकेटर जिसको भी चूज करो उनके साथ में पूरी प्रिपरेशन करो, ठीक है। और मैं ये आपको बोलने वाली थी कि जो हमारे मैंने जो मॉक्स के लिए क्या किया था, कि मैंने एक मॉक दिया था वो 2 महीने के बाद वाला, जिसमें बहुत गंदा आया, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, मुझे लगा अब तो मेरे से होगा नहीं, तो मैंने ना मॉक देना बंद कर दिया था। पहले मैंने सीखने पे जोर डाला कि पहले मैं सीखूंगी नहीं तो मैं मॉक में अच्छा परफॉर्म करूंगी कैसे, तो मैंने पहले क्लासेस ली, क्लासेस से कॉन्सेप्ट सीखे, उसकी प्रैक्टिस करी, धीरे 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 करके जब थोड़ा बहुत मुझे आने लगा, तो मैंने अक्टूबर महीने में एक या दो मॉक दिए थे, पहले अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, एक या दो मॉक दिए थे एंड तब भी इतना अच्छा नहीं था। फिर नवंबर में दिया एक दो मॉक्स, 3 मॉक्स उसमें भी दिए, थोड़ा पिछली बार से इम्प्रूवमेंट थी बट ठीक था। फिर दिसंबर में मैंने ना दिए हैं मॉक, और मेरा एक ही तरीका मॉक देने का हर बार ही रहता है कि कोई एक तो मैंने पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में बायजूस जो था उनके मॉक्स लिए हुए थे, उनके जितने भी 10 टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक्स मिलते हैं, तो मैंने वो सारे 10 मॉक्स दिए थे दिसंबर मंथ में। और इसके साथ साथ में जितने भी जनरल बैंकिंग के जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली, इन सब पे जितने भी फ्री मॉक्स थे ना उन सभी फ्री मॉक्स को मैंने दिया था। और अड्डा पे लाइव मॉक आता था जो कि हर संडे वनडे पे आता था, तो मैं उनको भी दे देती थी। तो इस तरीके से जो जितने भी फ्री का था जो कुछ भी वो सारे दिए, और मैंने सिर्फ बायजूस का खरीदा था। एंड सेम मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी किया, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दिसंबर में ही जितने भी मॉक दिए हैं वो दिसंबर मंथ में ही दिए हैं, क्योंकि अब इतना रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे। और इस साल जो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस साल की जो प्री की प्रिपरेशन में मैं ज्यादा उस पर फोकस्ड भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मेंस में अच्छा परफॉर्म करना था, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका सिलेक्शन मेंस पे होगा और प्रीलिम्स तो बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस बार प्रीलिम्स पे इतना ज्यादा फोकस में नहीं थी, और मैंने मॉक्स भी पूरे साल में नहीं लगाया, मैं दिसंबर के मंथ में वो गाइडली के मॉक्स मैंने लगाए थे इस बार, और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं जितने भी फ्री मॉक्स अवेलेबल थे वो मैंने लगाए हुए थे, फ्री मॉक्स मैंने लगाए थे। और अड्डा पे ना क्विज आती है, डेली क्विजेस आते हैं, आप उन क्विजेस को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। और उन क्विजेस को सॉल्व करो और डेफिनेटली आपके अंदर ना इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि टाइमर के साथ सॉल्व करना होता है ना, तो भले आपके पहले से सारे नहीं सॉल्व होंगे, पर धीरे धीरे ना वो लालच बढ़ती है कि आज तो मैंने 10 मिनट का टाइमर था, मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए, कल मैं पक्का 5 करूंगा, फिर 6 करूंगा, और ऐसे आपकी ना लालच बढ़ती चली जाएगी, और आप विद द टाइम टाइमर के साथ में आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो आपको वो जो डेली की जो क्विजेस होती हैं अड्डा के प्लेटफॉर्म पे वो सॉल्व करो। मॉक्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो अगर आप परचेस करना चाहो तो गाइडली के कर लो, स्मार्ट कीड़ा के कर लो, ऑलिव बोर्ड के कर लो, किसी के भी कर लो, वो अच्छे ही है, सारे के सारे ही जो प्लेटफॉर्म से अच्छे हैं। मैंने तो फ्री जितने भी मॉक्स थे इनके वो सारे फ्री के दिए थे, और मैंने बायजूस का जो था वो मैंने परचेस किया हुआ था, बस मैंने इतने ही मॉक दिए हैं। और
ये था मेरा पूरा प्री का वो। और आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि हम जो ये जनरल बैंकिंग के होते हैं उसमें तो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, हमें कौन से वाले एग्जाम के लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अफेक्ट करता है। जब आप IBPS क्लर्क के लेवल के क्वेश्चंस लगाने लगोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो इतना ईजी होता है, ये फिर हम कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे बच्चे, ये वाला डाउट होता है। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका सेम होता है, अप्रोक्सीमेशन करने का तरीका सेम होता है, बट लेवल क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है। हमारा जो प्रीलिम्स का जो लेवल है, जो मुझे लगता है वो IBPS PU प्री, ठीक है, PU प्री के लेवल से ऊपर होता है, बट मेंस जो होता है उनका उससे कम होता है। हम बीच में है, PU प्री SBI और IBPS PU प्री के लेवल से अप बट उसके मेंस से डाउन, ये होता है हमारा लेवल। तो आपको इन्हीं एग्जाम्स के लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। SBI PU प्री, SBI PU हो गया, IBPS PU हो गया, इस लेवल की करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और वो ऐसा ही चलेगा। बट आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप प्रैक्टिस करो और खूब सारा पढ़ो और इन टीचर्स को फॉलो करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी बताई हुई चीजें और जो मेरे एजुकेटर्स के बारे में बताया है वो आपको सच में हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही। और अगर बुक्स की बात करें तो मैंने किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं किया है, मैंने प्री के लिए कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म की बुक्स नहीं मंगाई है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन PDF इतनी सारी मिल जाती है कि वहां से ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉइंट के लिए वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, पजल के लिए अंकुश लांबा सर के चैनल पे भी उनका PDF पड़ा हुआ है, आप वहां से PDF उठा सकते हो, और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस प्रैक्टिस वाले पड़े रहते हैं तो उसको आप देख सकते हो। तो बहुत कुछ है, सोर्सेस का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई बुक वुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो आसानी से। एंड मैं चाहती हूँ कि इस बार जिन लोगों का प्री नहीं हुआ था और वो बहुत दुखी थे, तो इस बार जरूर इस चीज को आप फॉलो करके देखना और आपको ये चीज जरूर हेल्पफुल होने वाली है। और मेरा खास एक बात मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूंगी कि इंग्लिश के लिए ग्रामर को रखना बंद कर दो, कहीं काम नहीं आएगा। काम आएगा, आगे किसी चीज में आ सकता है, बट इस एग्जाम के लिए ग्रामर का इतना कोई रोल नहीं है भाई, नहीं है रोल, समझो। और जितनी ग्रामर आती है ना, वो आपकी रीडिंग स्किल्स जब इम्प्रूव होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे इम्प्रूव हो जाएगी वो ग्रामर पोर्शन भी, क्योंकि मैम सैटरडे सैटरडे को ग्रामर वाला पोर्शन कराती हैं, तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा कराना सिखा देती हैं कि आपको ग्रामर में भी आप नहीं अटकोगे, तो प्लीज ये ग्रामर वामर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, ठीक है। तो यही है, बच्चों का मोस्टली इंग्लिश में रुक जाता है, इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर नहीं होता है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पूरे साल तो ग्रामर 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 करे, आपने अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं की तो आप फंसोगे ना, क्योंकि वो तो आपका उसी तरीके से लेगा। ग्रामर के क्वेश्चंस कहाँ इतने आ रहे हैं भाई, वो तो बस थोड़ा सा जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बस अगर वो आ गया वो तो आपका लक, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चला गया। और मैं अश्योर करती हूँ कि कितना भी आपने ग्रामर के रूल पढ़े हो और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम का आ जाता है ना, तो आप ढूंढ ही नहीं पाते कि हाँ कहाँ पे एरर है। तो ये जो एरर वाले भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी टेंशन मत लेना, वो मैम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा देंगे कि कैसे एरर को फाइंड करना है। वो अपने आपको ना लाइव मॉक्स भी करवाती है, अपने हर वेडनेसडे को नहीं होता शायद, कोई एक डे है वहां पे वो मॉक होता है, तो आप लाइव पोल्स के थ्रू आप अपने आंसर दे सकते हो और आप इवेल्युएट कर सकते हो कि अभी आपका क्या लेवल है और मुझे कितना आगे जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकता है मैं ना बता पाई हूँ इस वीडियो में, तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो सी यू देन।